आने सुपुत्र हैं वो राज नहीं कर सके। अच्छे से पता था कि अगर उनके पुत्र का गुजारा है ना प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी नहीं हो सकता। माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, संगठित अपराध, ये तो अभी भी है। ऐसा थोड़े कि अभी सब गायब हो गए हैं। आपसे रिलेटेड सवाल पूछते हैं हम जान गए कि आप बहुत भड़के हुए हैं विपक्ष पार्टी। कैसा यूनिटी है आप लोग का कि जब टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे पार्टी में पलायन कर लेते हैं? जी को रांची के जेल में नहीं होना चाहिए, या तो तिहाड़ में होना चाहिए, नहीं तो उनको ऐसे लोगों को तो अंडमान के जेल में हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। और चुनाव काफ़ी सामने आ चुका है और जो उम्मीदवार है वो चुनावी क्षेत्र में जा चुके हैं और टक्कर कांटे की है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक। ये बताइए कि इस बार कांटे की टक्कर आपको भी पता है और इतना अस्वस्थ कोई भी नहीं है। सबसे पहला प्रश्न आपने बताया कि आपने अपनी तरफ से बताया कि कांटे की टक्कर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 के बाद जैसे ही देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे देश की यशस्वी जनता से किए थे, देश की माताओं से किए थे, देश की बहनों से किए थे, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे अंत्योदय के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबों के उत्थान के क्षेत्र में हो, चाहे कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, तो सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 100% खरे उतरते हुए राष्ट्र निर्माण की भूमिका में कार्य किया। इसमें 40 की 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी पर भारतीय जनता पार्टी न केवल जीत अर्जित करेगी, ये जीत जो है वो बड़े बहुमत की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि कल तेजस्वी यादव जी ने गाना गाया कि तुम तो वादा करके भूल जाते हो, उस पर आप क्या कहिए? अब दूसरा प्रश्न, तेजस्वी यादव गाना गा रहे थे, देखिए लालू जी गाना याद है ना आपको? गाना मुझे याद है और लालू जी को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उनके पुत्र का गुजारा है ना प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों का राजनीतिक भविष्य सेटल करने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बनवा दिया, राजनीति में लेकर के चले आए। लेकिन ये भी समझना है कि विगत कई वर्षों में जिन बच्चों का भी उम्र, जिन लोगों की भी आयु आज 30 वर्ष के करीब में है और जो आज नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनके पिताजी का भी अगर किसी ने जिंदगी बर्बाद की है ना बिहार में, बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का किसी ने काम किया है ना, उस व्यक्ति का नाम लालू यादव है। बिहार में जंगल राज पार्ट वन की पृष्ठभूमि को जब आप देखेंगे तो जंगल राज पार्ट वन में हत्या, अपहरण, लूट, माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार से खुले में तो माताएं बहनें जो हैं वो निकल नहीं पाती थी, और संगठित अपराध किस प्रकार से प्रसरे पा रहा था, किस प्रकार से मध्यम तबके से जो आने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग में जो लोग लगे हुए थे, उन लोगों से फिरौती मांगी जाती थी, फिरौती नहीं देने पर उनके बच्चों का अपहरण हो जाया करता था, अपहरण उद्योग फलीभूत रहा, लोग अपने घरों पर इवन प्लास्टर लगवाने से भी कतराते थे कि उनके घर अगर खूबसूरत लगेंगे तो रंगदारी, फिरौती, डकैती जैसी घटनाएं जो है उनके घर में हो जाए। आज जब कभी भी आरजेडी की सरकार बनती है, आरजेडी सत्ता में आती है, तो बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, संगठित अपराध, ये तो अभी भी है। ऐसा थोड़े कि अभी सब गायब हो गए हैं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, जैसे ही आरजेडी नामक एक पार्टी सत्ता में आती है, संगठित अपराध का डाटा जो है ना वो बढ़ जाता है। अगर ये प्रतिभा पलायन नहीं होता है तो अंधों में काना राजा जो कहावत है वो चरितार्थ नहीं होगी और उनके राजनैतिक रूप से जो काने सुपुत्र हैं वो राज नहीं कर सकेंगे। लालू जी को रांची के जेल में नहीं होना चाहिए, रांची के जेल में तो 5 स्टार की सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे। मेरा तो मानना है कि उनको या तो तिहाड़ में होना चाहिए, नहीं तो उनको लोगों को तो अंडमान के जेल में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपसे रिलेटेड सवाल पूछते हैं हम जान गए कि आप बहुत भड़के हुए हैं विपक्ष पार्टी पे। ये बताइए कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो सारे कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, गुस्से में है सांसद भाजपा के, ये कैसा यूनिटी है आप लोग का कि जब टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे पार्टी में पलायन कर लेते हैं, ये कैसा यूनिटी का बात हो रहा है? कल मुकुट जिस पर साजना था अब उसे सब कुछ त्यागना था, उस गिलहरी की भूमिका में कार्य करते हैं। अगर इसमें से कोई एक व्यक्ति किसी लोभवश
जिसका आइडियोलॉजिकल स्विंग हो जाता है और आइडियोलॉजिकल स्विंग के कारण वो इधर से उधर चले जाते हैं, तो उनके विषय में क्या बात करना, उनके विषय में क्या बोलना। अच्छा, पशुपति पारस से आपके आपके गुट पे थे, एनडीए में थे, और जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो छोड़ के चले गए और अलग घटक दलों में भी जाके आवेदन डाला, और जब कहीं से नहीं मिला तो फिर वापस एनडीए में शामिल हो गए। तो कई लोगों का यह पूछना था कि वो खुद से आए हैं कि आप लोग ने वापस इन्वाइट किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को ये नहीं कहती कि आप हमारे साथ रहें, और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को स्वयं से दूर भी नहीं करती। कोई व्यक्ति लोभवश हमारे साथ होता है या लोभवश हमें छोड़ करके जाता है, हम ऐसे लोगों की बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारी नींव जो है, हमारे सिद्धांत जो हैं, वो राष्ट्र निर्माण है और भारत माँ और भारत की भूमि को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर लेकर के जाना है। तो आप सुन रहे थे इन सुमित शशांक को, इनका कहना है। थोड़ा सा रामायण को डाल के बात करते हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं, थोड़ा सा बता के एक माहौल बना के जवाब देना पसंद करते हैं। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं और आप भी अपना ओपिनियन में ये ज़रूर बताएं कि क्या एनडीए बिहार में 40 के 40 सीट पार कर पाएगी और 400 के पार क्या भाजपा लाएगी।